मधुबनी के समाहरणालय सभागार में डीपी कर्ण रचित एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज मधुबनी के तत्वावधान में ऐतिहासिक पुस्तक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स बुक का जिला पदाधिकारी शीर्षस्थ कपिल अशोक ने उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ सहित कई शिक्षाविद गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर जिला पदाधिकारी ने जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी जिला पर गजट एक महीने में बनाने की अनूठी घोषणा की। जिला अधिकारी, विधायक, विधान पार्षद सहित कई अन्य ने ऐतिहासिक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स बुक के रचनाकार डीपी कर्ण के अथक प्रयास की जमकर सराहना की। मौके पर रचनाकार डीपी कर्ण ने बताया कि कई दिनों के मेहनत से कई तरह के डाटा का समावेश मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स बुक में उपलब्ध है। हमने मधुबनी जिले के लगभग हर क्षेत्र की जानकारी संबंधित के मोबाइल नंबर सहित इस पुस्तक में पिरोया है और आगे भी मेरा प्रयास मधुबनी जिला को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया देता रहूंगा, प्रयास जारी रहेगा। मेरा नाम डीपी कर्ण है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज मधुबनी को लीड करता हूं। हमारी संस्था ने मधुबनी जिला का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स बुक बनाया है और इसे गजट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गजट से कम है भी नहीं, क्योंकि एक एनजीओ के द्वारा तैयार किया गया है। खासियत यह है कि ये किताब 855 पन्ने की है और इसमें पीपल फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, एक जिला से संबंधित जितना भी डाटा होना चाहिए और जिस भी तरह का डाटा होना चाहिए वो उपलब्ध है। आप गूगल पे भी डाटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन कितना डाटा आप सर्च करते रहेंगे, और गूगल के द्वारा अगर डाटा आपको दिया जाता है तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स बुक में जितने भी सरकारी और जितने भी गैर सरकारी आंकड़े दिए गए हैं वो वस्तुतः सत्य है और हर घर की जरूरत है, हर घर को इसे खरीदना चाहिए। मधुबनी जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मैं देवानंद झा आज मधुबनी रिसोर्सेस बुक का विमोचन डीएम सर एवं कई विधायकों ने अपने सभागार में किया, कलेक्ट्रेट में, जिसका मैं गवाह बना। और ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि 1876 में जो ग्रिएशन ने गजट तैयार किया था उस वक्त चारों जिला के बारे में था और तब से लेकर आज तक मधुबनी 1972-73 में अलग हुआ, आज तक मधुबनी का कोई गजट नहीं बना। और ये किताब लगभग मधुबनी गजट तो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का शब्द है, सरकारी शब्द है, लेकिन रिसोर्सेस बुक जो है बिल्कुल गजट का रूपांतरित ये चैप्टर है और इसमें आपको मधुबनी के तमाम चीजों की जानकारी मिलेंगी और ये एक संग्रहणीय पुस्तक है। और इसके लिए मैं डीपी कर्ण जो इसके जो रचयिता है उनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, डीएम सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी उपस्थित बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स बुक के नाम से डीपी कर्ण साहब ने एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द मधुबनी, जिसको कहते हैं येलो पेजेस ऑफ मधुबनी, तरह का किताब उन्होंने दिया है जिसमें हम लोग आज उपस्थित हैं। हमारे डीएम साहब सुमन महासेठ जी और पूरे जिले के सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ ही प्रेस, यंग मैंने क्लब्स, रोटरी क्लब, मधुबनी क्लब, सभी के मेंबर, सभी लोग उपस्थित थे। और हम लोगों ने जो पुस्तक देखा जो लगभग 681 पृष्ठ का, लगता है कि मधुबनी के इस लंबे अंतराल के बाद ऐसा कोई किताब मिला है जिससे पूरे मधुबनी को जाना जा सकता है। इसलिए पूरे टीम को मधुबनी और मधुबनी के जो भी यहाँ है सभी लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं कि अगले साल 2 साल के बाद पुनः एक नए संस्करण के साथ पुनः आवे और इससे भी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा रहे, यही शुभकामना हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।